हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखिए या फिर आप आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो उन क्वेश्चन को आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। और यदि आपको वीडियो यार पसंद आता है, यानी कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। नहीं आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा बताइए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले, तो ये भी आसानी से हो जाएगा। इसमें आपको देखिए क्या दिया है, इसमें आपको समीकरण, यहाँ पर लिखा है समीकरण, तो यहाँ पर दो अवयव दिए गए हैं जो कि आपस में इक्वल हैं, और आपको ए बी सी और डी के मान याद करना है। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो मैंने समझाया था, यदि दोनों अवयव समान हैं, कहने का मतलब है 2x2 कोटि का ए है और ए भी 2x2 कोटि का है, ठीक है। तो दोनों आपस में समान है इसलिए इनके सभी संगत अवयव भी समान होंगे, इसलिए हम इनकी तुलना कर देते हैं और मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी हम लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार लिख लेना है, ठीक है, इसके बाद में हम तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का आपका -1 से कंपेयर करोगे, और 2a+c इससे 5 से होगी, और यहाँ पर 2a-b तो 0 से इसकी तुलना होगी, और 3c+d तो इसकी 13 से हम तुलना कर देंगे। और यहाँ पर लिख देंगे कि a-b की तुलना हमने -1 से की है, और इसे हम बनाया समीकरण 1। इसी प्रकार 2a+c इसकी तुलना की है 5 से, और इसको बनाया समीकरण 2, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 2a-b इसकी तुलना की है 0 से, और इसको हमने बनाते हैं समीकरण 3। इसी प्रकार तुलना करेंगे 3c+d की, आप 13 से करोगे और इसको बनाओगे समीकरण 4, ठीक है। इस प्रकार समीकरण बनाने के बाद आपको थोड़ी दिमाग लगाना है कैसा कि इनको किस प्रकार सॉल्व करें। तो आप देख सकते हो, यदि हम समीकरण 2 से a का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, या फिर c का मान निकाल लेते हैं और समीकरण 1 में रख देते हैं, तो ए का मान निकालेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हम ए का मान निकालेंगे, ठीक है, या फिर वी का भी आप निकाल सकते हो समीकरण 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए आप समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हम निकालेंगे वी का मान और समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो आपको लिख देना है, इस प्रकार आपको लिख लेना है कि समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 को लेते हैं 2a-b=0, और यदि 2a को आप इस साइड पहुंचाओगे तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस बी पहले से हैं और इसको इस साइड पहुंचाओगे तो माइनस के 2a, और आपस में माइनस माइनस कटेंगे तो b का मान आएगा आपका 2a, ठीक है। तो इस b के मान को आपको रखना है समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में देखिए b का मान रखते हैं, तो क्या है b का मान 2a, ठीक है, और -1 दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपके a प्लस का है माइनस के 2a, तो माइनस का a बचेगा और माइनस का 1 बराबर में है, तो माइनस माइनस कटेंगे तो a का मान आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका a का मान मिल गया। इसके बाद में a का मान को हम रखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है, जहाँ से हमको c का मान मिलेगा। तो a का मान हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं, तो देखिए समीकरण 2 से, ठीक है, इस प्रकार लिख दो या फिर लिख दो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर आएगा 2, और समीकरण 2 में देखिए आप थोड़ी देख सकते हो ना, समीकरण 2 2a+c=5, ठीक है। तो यहाँ पर 2 a की जगह पर इसका मान 1 रखेंगे और प्लस सी और बराबर में 5 लिखेंगे, तो यहाँ पर 2a+c देख सकते हो आप, 2+c=5, तो सी का मान यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। इस प्रकार आपका सी का मान भी आ गया। और तो यहाँ पर अब हम लोग सी का मान समीकरण 4 में रखेंगे, ठीक है। तो यदि हम सी का मान समीकरण 4 में रखते हैं तो यहाँ पर आएगा 3, और सी का मान हमने 3 रखा, ठीक है, और प्लस डी =13 दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीतर का 9 होंगे प्लस डी बराबर में 13, और डी का मान यदि 9 इस साइड ले जाएंगे तो 13 में से 9 घटाएंगे तो डी का मान आएगा आपका 4, ठीक
ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए का मान समीकरण एक में रखना है। तो यहाँ पर लिख देना है सबसे पहले कि ए का मान समीकरण एक में रखने पर, तो आप वो अब ए का मान समीकरण एक में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस बी इक्वल्स टू माइनस वन, और यहाँ पर माइनस बी और माइनस वन पहले से, और इसको इस साइड ले जाओगे तो माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है माइनस बी इक्वल टू माइनस की टू हो जाएगी, और माइनस माइनस कटेगा तो बी का मान फाइनल 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमने ज्ञात किया कि ए बी सी और डी के मान 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, अतः ए इक्वल्स टू 1 होगा और बी इक्वल्स टू 2 होगा और सी इक्वल्स टू 3 होगा, ठीक है, और डी इक्वल्स टू 4 होगा। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। आशा करते हैं यार आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुविकल्प टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो प्रश्न क्रमांक 8, ठीक है, तो इसमें दिया है ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, एक वर्ग अव्यूह है, ठीक है। तो क्या होता है, वर्ग अव्यूह में एम पंक्ति और एन कॉलम होते हैं, ठीक है, एम पंक्ति और एन कॉलम होते हैं। तो वर्गाव्यूह में यार पंक्ति है जो कॉलम के बराबर होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ए बी सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं, तो एम है जो छोटा है एन से, मतलब कि आपकी जो पंक्ति है कॉलम से छोटी होगी या फिर पंक्ति बड़ी होगी कॉलम से, तो ये तो ऐसा नहीं है। आप जानते हो कि एक वर्गाव्यूह तभी होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या अवयवों की संख्या के बराबर होती है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो वर्गाव्यूह होगा उसमें पंक्ति की संख्या होगी जो वो कॉलम के बराबर होती है। तो यहाँ पर m इक्वल्स टू n, इसका c सही आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए आप प्रश्न क्रमांक 9, इसमें x y के प्रदत्त किनमानों के लिए अव्यूह को निम्नलिखित योग में समान है। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा कैसा, जैसा कि अभी मैंने प्रश्न क्रमांक 7 को सॉल्व किया है, देख सकते हो आप। इसमें मैंने कंपेयर की थी यानी कि तुलना की थी और ए बी सी डी के मान ज्ञात किए थे। इसी प्रकार आप इसको तुलना कर देते हो, जैसे कि y प्लस वन दिया है, इसकी तुलना आप 8 से करोगे तो यहाँ से आपका y का मान आएगा 7। देखिए आप y का मान 7 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार फिर आपको x का मान ज्ञात करना है, तो आप इसकी तुलना इससे कीजिए तो आपका x का मान भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग कर लोगे, आशा करते हैं यार इसका आंसर तो सी होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10, इसमें दिया है 3x3 कोटि के ऐसे अव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 3x3 कोटि का एक अव्यूह है, ठीक है, 3x3 कोटि का, और इसमें जो कुछ अवयव दिए गए हैं, ठीक है, 3x3 कोटि का एक अव्यूह है और इसमें कुछ अवयव दिए गए हैं जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। या तो वो पहला अवयव है 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। इसी प्रकार सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी कि सभी जो आपके 9 अवयव हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक अवयव की 2 प्रविष्टि बन रही, या तो वो 0 हो सकता है या 1। तो इस प्रकार आप कह सकते हो यहाँ पर 0 1 हो सकता है, यहाँ पर 0 1 हो सकता है, यहाँ पर भी 0 1 हो सकता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो 2 2 हो रहे हैं प्रत्येक की जगह पर, तो इस प्रकार 9 हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं 2 के ऊपर 9 की घात लगा सकते हो आप, जिसका मान आएगा आपका 512। तो आपका 512 ही आंसर सही होगा, ठीक है, क्योंकि यार आप कह सकते हो 0 यहाँ पर है और 1 भी आ सकता है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर बनेंगे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 प्रत्येक जगह पर बनेंगे 9 बार, ठीक है। तो आप 2 के ऊपर 9 की पावर लगा सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 512। तो आप लोग बुक में देख सकते हो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, 27, 18, 81 और 512। तो इसका आंसर 512 करेक्ट आंसर होगा, और कुछ स्टूडेंट कुछ गलत कर देते हैं जिसके कारण 27 आंसर लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसका आंसर 512 हो गए, ठीक है। आशा करते हैं यार आपको इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं होगी समझ में आई होगी, ठीक है। तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। अब हम लोग 3.2 को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको यार वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी क्लास 12th के NCERT मैथ्स पढ़ सकें, ठीक है। और यार कोई भी प्रॉब्लम हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बताइए, मैं कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। धन्यवाद।